हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर आयु का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, ये हमको फाइंड करनी है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 16 वर्ष। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में जो पहली चीज दी हुई है वो दी हुई है पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पिता की वर्तमान आयु बराबर। तो ये कितना दिया हुआ है, वर्तमान आयु बराबर, तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 वर्ष। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ठीक है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, ओके। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए पहले हम मानेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तब यहां पर मैं लिख सकता हूं, तब प्रश्न में दिया हुआ है, पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए तब मेरी जो आयु है वह तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, तब मैं प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु बराबर यहाँ पे 2 गुना पुत्र की आयु। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न अनुसार। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर ये पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी, तो पिता की जो वर्तमान आयु है वह पुत्र के वर्तमान आयु के क्या है, 2 गुने हैं या फिर 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए हमने जो वैल्यूज मानी है, पिता के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र के वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पिता की वर्तमान जो आयु है उसको माना है x वर्ष। ठीक है, वहीं यहाँ पे 2 गुना में पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको हमने माना है y वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को रखें, चूँकि क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, पिता की वर्तमान आयु दी हुई है, तो पिता की वर्तमान आयु क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 वर्ष, बराबर ये हो जाएगा 2y। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर 36। ठीक है, अब देखिए इस 2y बराबर 36 को आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे इसका पक्षांतर होगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब चूंकि 2 इधर जो है y के साथ गुने में है, पक्षांतर होने पर वह जो है बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 36/2। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से जब 36 को भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 18 36। इस तरीके से जो पुत्र की वर्तमान आयु है वह कितना निकल कर आ रहा है, तो यह निकल कर आ रहा है 18 वर्ष। ठीक है, चूँकि हमने वाई क्या माना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु माना था और वाई बराबर हमारे सामने क्या निकल कर आया,
तो ये आया 18 वर्ष। ठीक है, इस तरह से जो पुत्र की आयु है वह कितना आया, तो 18 वर्ष आया। ठीक है, अब जो कि क्वेश्चन में हमको 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु पूछी गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु बराबर, तो क्या हो जाएगा इसमें, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, मतलब ये हो जाएगा हमारा पुत्र की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु ऋण हो जाएगा हमारा 5 वर्ष, या ठीक है 5 वर्ष पूर्व चूंकि हमको पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु के साथ में ऋण 5 हो जाएगा या 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु को हमने माना था वाई, ऋण 5, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वाई का मान हमने ज्ञात किया कितना, 18 ऋण 5। इस तरीके से जब 18 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 13 वर्ष। ठीक है, ये क्या निकल कर आया, 13 वर्ष जो आ रहा है हमारा, ये है 5 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ठीक है, कितना, तो ये है 13 ईयर या फिर 13 वर्ष। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो चलिए कौन से वाले ऑप्शन में 13 वर्ष दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ओके ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 13 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की जो आयु थी वो कितनी थी, तो वह 13 वर्ष थी। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।